हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। आज आप सभी 12th स्टूडेंट्स या फिर कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो एडमिशन लेने से पहले उनको क्या-क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो नंबर वन पॉइंट गाइज ये है कि अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हो एडमिशन लेने, तो पहले उस कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में चेक करो कि वो कॉलेज कब से एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी मतलब कितने साल हो गए हैं, कितने सालों से उसके कॉलेजेस रन कर रहे हैं, एफिलेटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के पास जा रहे हो, लाइक अगर आप DU के बारे में एग्जाम्पल दूँ, मैं आपको JNU के बारे में एग्जाम्पल दूँ, तो इनकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो 100+ ईयर्स का है। सो आप इनके कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी पे डाउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका इतना बड़ा इतिहास है, यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े लोग पढ़कर पास आउट हुए हैं। तो ऐसे आपको जिस भी आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, अगर मान लो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हो, तो काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं प्राइवेट जो बेस्ट हैं, तो उनका बैकग्राउंड चेक करना है आपको कि पास्ट बैकग्राउंड क्या है उनका, ठीक है। नंबर टू, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो उसकी NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिस भी ईयर में हो आप उस ईयर का चेक करना है, बाय द रिलीज करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप उसकी रैंकिंग चेक करो क्या वो NIRF रैंकिंग में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कॉलेज रैंकिंग में नहीं है वो बेकार कॉलेज है, काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लाइक कुछ माइनर सी फैसिलिटीज़ की वजह से जो NIRF रैंकिंग की लिस्ट है उसमें वो कॉलेज नहीं आ पाते हैं, बट वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप एक बार चेक कर लो, अगर नहीं भी है और कॉलेज का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, नो डाउट। बाकी NIRF रैंकिंग चेक करना ज़रूरी है। नंबर थर्ड पॉइंट कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप किसी कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन लेने, तो आपको क्या करना है गाइस कि आप अगर 12th के बाद आपने पास आउट हो गए, आपको अब एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपका ये हो जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ। अगर आपके आपको नॉलेज नहीं है किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैसे एडमिशन लें, क्या होता है, जैसे लाइक मेरे को जब मैं 12th में था, आई वॉज इन 12th इन माई गवर्नमेंट स्कूल, सो आई डोंट नो अबाउट DU JNU BHU एंड ऑल, तो जस्ट मुझे ये लगता था कि डिस्टेंस से लर्निंग कर सकते हैं हम। बट इवन दो आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेज, सो ये आपको ध्यान रखना है। और ये पॉइंट मेरा है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को प्रिफर करो, ताकि आपकी जो अफोर्डेबिलिटी ऑफ फीस है वो मेंटेन रह सके और आपकी जो डिग्री है वो वर्थफुल रहे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस जो हैं वो आपसे महंगी फीस तो ले लेते हैं, बट वो उस लेवल की आपको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पाते। तो अगर आप जैसे DU का मान लीजिए, मैं देता हूँ एग्जांपल, मैं तो DU का स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको DU का ज़्यादा एग्जांपल दूंगा। DU का अगर मैं आपको SRCC का एग्जांपल दूँ, तो आप उसकी एडुकेशनल क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकते। वहाँ के स्टूडेंट्स 1% ऑफ ब्रिलियंट माइंड ऑफ इंडिया बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की जो एजुकेशनल क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही आप जिस भी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में जाओ एडमिशन लेने के लिए, वहाँ का जो प्रोफेसर्स हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हो। मतलब ये नहीं आप सीधा जाके पूछ लो उनसे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपको प्रॉस्पेक्टस मिलता है उसमें टीचर्स के नाम होते हैं। सो अगर PhD, डॉक्टरेट और पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम है, तो अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, भले ही चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि आपको एक्सप्लोर करने को कितना मिलता है उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में। एक्सप्लोर से मेरा मतलब है कि आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखोगे पढ़ाई के अलावा, वो चीज़ें आप सीखते हो सोसाइटीज से, JNU DU इन सब में बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, ड्रामा सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी, इस टाइप की बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, जिससे जो आपका एडवांसमेंट होता है, आप जब तक अभी 12th में थे, अपने स्कूल में थे, तब तक आप एक कुएं के मेंढक थे, लेकिन जब आप किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ भाई, मैं एक अकेला मेंढक नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मेंढक हैं। तो आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप एक्सप्लोर करते हो और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके स्किल्स बेसिकली वो डेवलप होते हैं इन सोसाइटीज़ के थ्रू। पढ़ाई तो सब करते हैं, आप सोसाइटीज़ को ज्वाइन करके अपनी एडवांसमेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस कॉलेज में ज़्यादा एक्सप्लोर करने को हो उसी कॉलेज को आपको प्रेफर करना है एडमिशन के लिए। देन गाइस, फिर एक बात आती है कि उस कॉलेज का क्राउड कैसा है। क्राउड लाइक आप ट्रेडिशनल है और या एडवांस्ड क्राउड है, आप जैसे क्राउड में रहोगे, जैसे एनवायरनमेंट में रहोगे, आप वैसे ही बनोगे। तो क्राउड मैटर कर जाता है कि किस टाइप का क्राउड है वहाँ पे। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे कि क्राउड जो है वो ट्रेडिशनल तो नहीं है, लाइक ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं हो, ट्रेडिशनल और मॉडर्न का थोड़ा मिक्सचर हो, आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिले, क्योंकि अलग अलग माइंड आपको अलग अलग नॉलेज देते हैं। सो
अच्छी चीज़ें आपको सीखनी है, इसलिए क्राउड मैटर कर जाता है। तो क्राउड भी एक बार जरूर चेक कर लेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फी स्ट्रक्चर। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो ये फी स्ट्रक्चर टर्म है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाई फाई लोगों के लिए फी स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन फीस देके एडमिशन ले लेते हैं। बट आपको ये देखना है कि आपके बजट में कौन सा कॉलेज है, आप किस कॉलेज की फीस पे कर सकते हो, किस यूनिवर्सिटी को आप अफोर्ड कर सकते हो, तो फी स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है। आप इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख के अपने अकॉर्डिंग जब रिसर्च करोगे कॉलेजेस को, तो आप सेलेक्ट आउट कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा कॉलेज है, आप उसमें जाओगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पास्ट ईयर प्लेसमेंट क्या है उस कॉलेजेस, उस यूनिवर्सिटी में। अगर आप DU की बात करते हो तो DU की प्लेसमेंट ठीक है, गुड एंड इनफ है। ये नहीं कहूँगा कि मैं सबको मिलती है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अच्छी एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म किया होता है। तो आप ये चीज़ ध्यान दें कि प्लेसमेंट कैसी है। प्लेसमेंट हो, कंपनियाँ आती हैं, अच्छी बात है, तभी आप लें। अब ये नहीं कि उन्होंने वेबसाइट पे तो डाल रखा है कि प्लेसमेंट होती है हमारे यहाँ और कंपनियाँ आई नहीं हैं पास्ट ईयर्स में, तो ये चीज़ गलत बात है। आप ये चीज़ देख के चलें, रिसर्च करके चलें कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो उस कॉलेज में आपके जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट सोसाइटी होती है टाइप की, वो वर्क करती भी है कि नहीं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान रखना है व्हाइल यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज। सो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको ब्रॉडर थिंकिंग बना के चलना है आगे वाले टाइम में, कि आप जब एडमिशन लो उसके बाद आपकी जो लाइफ हो, आपकी डिग्री हो, वो एक बेस्ट लाइफ हो, बेस्ट डिग्री को जो बोलते हैं कि वैल्यूएबल डिग्री हो आपकी, वर्थ इट हो। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई, आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर आप कौन से कॉलेज में लेते हो एडमिशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरह की वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।